वापी जीआईडीसी में आवेल केमिकल कंपनी में गैस लीकेज थता अफरातफरी मची गई। दुर्घटना में बे श्रमिकों ना मौत निपजा छे, ज्यारे गंभीर हालत में छे। हॉस्पिटल में हाल श्रमिक ने दाखल करवामां आव्यो छे। घटना मामले वापी पोलीसे हाल तो तपास हाथ धरी छे। बनावनी विगत प्रमाणे वापी जीआईडीसी ना थर्ड फेस में आवेली सन्ना केमिकल नामनी कंपनी में गैस लीकेज थयो। गैस लीकेज ना कारणे केटला कामदारों ने तेनी असर थई हती। गंभीर रीते गैस की असर थता त्रण कामदारों ने सारवार माटे वापीनी हरिया हॉस्पिटल खसेड़वामां आव्या हता। अने आ दरमियान बे कामदारना मौत निपज्या हता। बनावनी जाण थता जीआईडीसी पोलीसनी टीम पण पहोंची हती अने आ मामले तपास शुरू करी। મહત્વના સમાચારોની વાત કરીએ તો ગાંધીનગરમાં આજે કેબિનેટની મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાશે। મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની અધ્યક્ષતામાં બેઠક યોજાશે। કેબિનેટ બેઠકમાં બાવઠા અંગે ચર્ચા થઈ શકે છે। બાવઠાની પાકના થયેલા નુકસાન બાદ સર્વે પર ચર્ચાની સંભાવના છે। સવારે 10 વાગે કેબિનેટની બેઠક યોજાશે। મહેસાણાના કડીમાં એપીએમસી ચૂંટણીની આજે મતગણતરી યોજાશે। થોડીવારમાં મતગણતરી શરૂ થશે। 10 બેઠકો માટે મતદાન યોજાયું હતું। 25 ઉમેદવારો મેદાનમાં હતા। ખેડૂત વિભાગની 10 બેઠક માટે ચૂંટણી યોજાઈ હતી। 728 મતદારોએ મતદાન કરતા 93% મતદાન થયું। કડી માર્કેટયાર્ડના કાર્યાલય ખાતે મતગણતરી યોજાશે। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेनाना अध्यक्षनी हत्याथी खळभळाट मची गयो। सुखदेवसिंह गोगामेडीनी गोळी मारी अने हत्या करवामां आवी। राजस्थानना जयपुरमां हत्याने अंजाम अपायो। अजाण्या शख्सोए सुखदेवने गोळी मारी। आ अथडामणमां एक हुमलो करनार शख्सनुं पण मौत थयुं होवानी माहिती मळी रही छे। सुखदेवसिंहनी हत्या बाद आक्रोश छवायो छे। आ समग्र मामले केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावते जयपुर पोलिस कमिश्नर साथे बात करी छे अने आ मामले आखरी कार्यवाही ना निर्देश आप्या छे। सरकार के समय से जिस तरह से राजस्थान में गैंग वॉर्स पनती हैं, डिफरेंट गैंग्स के बीच में युद्ध शुरू हुए हैं और राजस्थान को अराजकता की अग्नि में धकेला गया, ये उसी का दुष्परिणाम है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय सुखदेव सिंह जी को जो धमकियां मिली थी उनके चलते हुए उन्होंने पुलिस प्रशासन को इसके लिए आगाह भी किया था, लेकिन दुर्भाग्य से जिस स्तर पर उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए थी उस स्तर पर सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। निश्चित रूप से इसके लिए भी जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है और साथ साथ में जिन लोगों ने ये दुर्दांत कृत्य किया है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उनको किए की सजा मिले। और साथ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद में इस बार को हम सुनिश्चित निश्चित ही करेंगे कि राजस्थान में अमन चैन और शांति की शासन कायम हो। इन सारे गैंगस्टर्स पर, सभी बदमाशों पर इस तरह का जो है उनके विराम लगे, उनको उनके किए की सजा भुगतनी पड़े, उनको सबको जेल में बंद किया जाए ताकि राजस्थान में शांति का शासन स्थापित हो सके। मैं सभी से आग्रह करूँगा कि इस समय में उद्वेलित होने के बजाय उनको शांति बनाए रखने की आवश्यकता है, लेकिन साथ ही एक बात का भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि एक भी अपराधी और गैंगस्टर जो इसमें संलिप्त था वो नहीं बख्शा जाएगा। और पुलिस प्रशासन को इसके लिए आगाह करना चाहता हूं कि राजस्थान में अन्य लोगों को जिनको भी इस तरह की धमकियां मिली है तुरंत उनको सुरक्षा भी प्रदान करें और साथ साथ में ऐसे सारे लोगों को जिन्होंने धमकियाँ दी है उन सबके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करें। तीन लोग यहाँ आए थे कि हम बाहर से सूचना दे दिया कि मिलना है हमें सुखदेव सिंह जी से, तो सुखदेव सिंह जी से उनका जो पीएस जो सिक्योरिटी है वो जाके पूछ लिया, तो उनका अनुमति मिलने के बाद तीनों लोग अंदर गया। वहाँ करीबन 10-1 मिनट उनके साथ बातचीत किया। 10-1 मिनट के बाद उनके ऊपर फायरिंग किया। उस फायरिंग में सुखदेव सिंह जी का डेथ हो गया। उनके बगल में जो सिक्योरिटी खड़ा था उनके भी गोली लग गया, वो अभी हॉस्पिटल में आईसीयू में है। और इस क्रॉस फायर के दौरान 3 हमलावरों में एक का भी डेथ हो गया। तो आ तरफ सुखदेव गोगामेडीनी हत्या मामले राज शेखावतनुं निवेदन सामे आव्युं। तेओए कह्युं के सुखदेव साथे विश्वासघात कर्यो छे, हत्याना कारणे क्षत्रिय समाजमां भारे रोष छे।
टूंक समय में मोटू आंदोलन की आवश्यकता पड़े तो ये अमे करीशू, परंतु हवे आर पार नी ज वात करीशू अने न्याय लईने जंपीशू।